ब्रेकफास्ट खा लिया सबने, अभी प्लान है स्विमिंग में, नहाने का प्लान है ना विजय? Are you swimming today? Grandpa, a boy, Vijay, with a granny, sare. Really good exercise swimming is for health. No. बोलना के दी तो दीदी बाहर। तो ये स्विमिंग पूल में हम सारे नहाने गए हैं, मगर पहले पापा रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ी देर, और फिर वो भी आएंगे हमारे साथ नहाने पूल में। अपय भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। हेलन थोड़ी देर के बाद आई बिकॉज क्लेरिटिन करवाया है बालों में, और उसको वो क्लोरीन वाला वाटर डैमेज कर सकता है, इसलिए वो नहीं आई थी। मगर थोड़ी देर के बाद वो भी आ गई थी। सब ने स्विमिंग पूल इन्जॉय किया, जगह बहुत अच्छी थी, रिसोर्ट में बहुत मज़ा आया। ये वनवासो रिसोर्ट है, गिर सासन गिर। रामदेव को ये जाना था वीडियो बनाने भी ये रिसोर्ट में, मगर इससे पहले हम वहाँ पे पहुँच गए, और रिसोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत मज़ा आया। इन लोगों का खाना भी इतना अच्छा होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी। लंच बुफे होता है, तो इसकी खाने की क्वालिटी हाई क्वालिटी रहती है, टेस्टी भी बहुत था फूड। और वो खाना खाया हमने 3 दिन तक उधर, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा पेट ख़राब नहीं हुआ, डायरिया वॉमिटिंग ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसका खाना बहुत अच्छा था, मीडियम स्पाइसी और बहुत टेस्टी, और काफ़ी हेल्थी खाना था, और स्वीट भी बनाते थे, और हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया उधर। और आई हाईली रिकमेंडेड, अगर किसी को जाना है तो ये रिसोर्ट काफ़ी रिलैक्सिंग है, और कमरे भी बड़े और अच्छे, और इन लोगों का स्विमिंग पूल भी नाइस एंड क्लीन, और बहुत मज़ा आया ऑल राउंड। बच्चों को, पूरी फैमिली को बहुत मज़ा आया, मम्मी पापा को भी बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, और स्विमिंग पूल फन भी हम लोगों ने एक दिन किया। दूसरे दिन बस भर के और लोग आ गए थे, इसलिए हम लोग नहाने नहीं गए। यहाँ पे सोना रूम भी था, अगर बैठना है 15-20 मिनट सोना रूम में बैठ सकते हैं, तो उससे भी हड्डियों को आराम मिलता है। यूके में भी बहुत अच्छे साफ सुथरे स्विमिंग पूल होते, मगर क्लोरीन वाला वाटर होता है, जैसे यहाँ पे भी क्लोरीन वाला ही था, मगर फिर भी मज़ा आया। पानी में थोड़ी देर भी आप नहा लो, हेल्थी रहता है, काफ़ी हेल्थी एक्सरसाइज है पानी में नहाना इधर, तो ये भी हमने किया। फिर हम सासन गिर घूमने भी गए, मैं वो जगह का नाम भूल जाती हूँ, जैसे याद आएगा बताऊँगी। उधर खुली जीप में घूमने गए थे हम सासन गिर, तो ये सब इन्जॉय किया हम लोगों ने, इट वॉज रियली नाइस एंड फन। स्विमिंग कैप जो पहनी थी उसकी लाइन बन गई मुझे। बालों को ड्राई रखने के लिए स्विमिंग कैप पहनी थी, मगर फिर भी बाल भीग गए, इसलिए हेलन नहीं आई। स्विमिंग कैप इतना प्रोटेक्ट नहीं करती। वी हैव जस्ट डन हेयर ट्रीटमेंट, मैं जा रही हूँ अभी कमरे में, ये लोग अभी भी स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। स्विमिंग से थोड़ा सा ही दूर है कमरा, मेरे कपड़े भीगे हुए हैं,
मैं जा रही हूँ चल के, थोड़ा दूर है तो उधर। हेलन मम्मी, मम्मी, यस बच्चा, जस्ट मी, सो हेलन ने स्विमिंग कैप डाल ली है। हे YouTube fan. और भाई स्विमिंग करके जा रहा है वापस। राम राम सीताराम टू एवरीवन। और ये रिसोर्ट हम अभी भी रुके हैं, इधर 2-3 दिन रुकने वाले हैं। यस ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और उधर है स्विमिंग पूल जहाँ पे एलन अभी भी नहा रही है, उधर है। मैंने नहा के कपड़े चेंज कर लिए, बाल भी धूप में ही सूख गए, डोंट हैव टू डू ड्रायर। और इधर बहुत मज़ा आ रहा है घूमने का, एकदम फार्म वाला एनवायरनमेंट है और बहुत साफ सुथरा। ये आवी जाए आई थी, गो 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 गो, गिव डैडी अ कार्ड, रन रन रन, गुड बॉय अभय, इज रियली गुड बॉय डैडी। अभय के पास वो दरवाजे का कार्ड है, गो गो गो, ग्रैंडपा इज कॉल्ड। वो भाग के जा रहा है कार्ड देने डैडी को। और ये इतना रिसोर्ट बड़ा भी है और बहुत शांत है, यहाँ पे इतनी शांति मिलती है। पीछे जो है ये गार्डन सा बनाया है, एकदम डीप। और यहाँ पे लायन लाइव दिखाया हमें कैमरे से, कैचअप किया हुआ लायनस विद 2 बच्चे इधर से जा रहे थे बिल्कुल पास से ही। लास्ट एक हफ्ता हो गया, वो बोल रहे रात को सम टाइम आते हैं, रात सुबह के 5 बजे जब एकदम शांत होता है तो वो निकलते हैं, मगर वो अब इस साइड नहीं आएंगे क्योंकि लाइट ऑन होती है, ऐसा उन लोगों वो लोग बता रहे थे हमें। और हमने वो फुटप्रिंट्स भी देखे जब वो क्लाइम अप करते वॉल में। और ये है हमारा कमरा, एक एक दरवाजा इस साइड से खुलता है। कोकोनट वहाँ पे वो लोग चरा रहे हैं गाय भैंसे, तो बैठी हुई है पानी में उधर से। मैंने
है, मेरे को जूम किया है, ये थोड़ा फार है इधर से, थोड़ा दूर है। और है भैंसों का स्विमिंग पूल आराम से वो लेटी हुई है पानी में। जी क्या नया टी शर्ट मैं ले आई थी, वो विजय ने आज पहन लिया है, ये बर्थडे प्रेजेंट था विजय का। अभी 3rd of September बर्थडे आ रहा है विजय का, और दिलीप भाई को हैप्पी बर्थडे। जा रहे हैं अभी लंच करने, टाइम हुआ है 1 o'clock, नीली 2 o'clock, और हेलन अभी आ रही है। हेलन के बाल लंबे हैं तो जब धोते हैं उसको टाइम लगता है ड्राई करने में, तो मैंने हेल्प कर दी है, अभी वो आएगी। मम्मी डैडी अभय विजय ये सारे पहुंच गए हैं। इन लोगों का ये अच्छा है, जब लंच रेडी हो जाता है तो ये लोग फ़ोन करके बुला लेते हैं हमें कि आ जाओ खाना खाने। मुझे इसमें गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीज है, इसलिए पवन इतना नहीं है, रुक रुक के आता है पवन। मैं आ चुकी हूँ रेस्टोरेंट में, बुफे है खाना। Why did your daddy say that? Because I want it. Daddy, Abhay is going to eat rice and dal, otherwise we have to leave. Yeah, we have to leave. So hey, rice, puri, roti hai, paneer, pata nahi kuch hai, moong dal, mango pork.